वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए घंटी को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आलू सूजी फिंगर्स की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। आप इसे शाम के नाश्ते के लिए या फिर चाय के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सामग्री चेक कर लेंगे। सामग्री मैंने लिया है 4 उबले हुए आलू, इनको छील कर रख लिया है, आधा कप सूजी, 3 कटी हरी मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप करें, 3 टेबलस्पून कटी धनिया पत्ती, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सामग्री हमने चेक कर ली है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन में 1 कप पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाए, आप इसकी गैस मीडियम कर दीजिए और जैसे ही फ्लेम मीडियम हो जाए, एक हाथ से आप सूजी डालिए और दूसरे हाथ से लगातार चलाते हुए इसे मिला लीजिए ताकि गांठें ना बने। सारी सूजी हमने डाल दी है, इसे आप लगातार चलाते रहिए। ये देखिए, लगातार चलाते हुए आप देख सकते हैं सूजी ने सारा पानी सोख कर लिया है। अब इसकी गैस आप एकदम धीमी कर दीजिए और इसे ढककर 2-3 मिनट इसी तरह से पकने दीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं, आप इसकी गैस बंद कर दीजिए और इसे इसी तरह से 2-3 मिनट फूलने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक हमारी सूजी फूल रही है, हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। एक बड़ा बाउल ले लीजिए और उसके अंदर आलू को कद्दूकस करके तैयार कर लीजिए। आलू को कद्दूकस करके हमने तैयार कर लिया है, अब इसके अंदर आप बची सामग्री भी ऐड कर दीजिए। सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्च, कटी धनिया पत्ती, नमक और साथ ही में काली मिर्च पाउडर। सभी सामग्री डालने के बाद इसके अंदर जो तैयार सूजी थी वो ऐड कर दीजिए। सूजी डालने के बाद सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये देखिए, मिश्रण को हमने अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब इसके हम फिंगर्स बनाना शुरू करते हैं। फिंगर्स तैयार करने के लिए सबसे पहले आप हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए ताकि मिश्रण हाथ पर चिपके ना। अब मिश्रण का थोड़ा सा भाग लेकर इस तरह से पहले हाथों के बीच में इसे दबा लीजिए और अब इसे हाथों के बीच में रोल करके इस तरह से लंबा लंबा फिंगर की तरह बना लीजिए। ये देखिए, फिंगर हमारी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आपको हाथों के बीच में इसे दबाना जरूर है ताकि ये इकट्ठा हो जाए और इसे फिर लंबा कर लेना है। सारी फिंगर्स हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। फिंगर्स को तलने के लिए मैंने तेल को मीडियम हॉट गर्म कर लिया है और इसकी गैस हमने मीडियम कर दी है। अब इसके अंदर एक एक करके आप फिंगर डालना शुरू कर दीजिए। कुछ फिंगर्स मैंने डाल दी हैं, आप थोड़ी थोड़ी करके डालें, ज्यादा ओवरलोड ना करें पैन पे। ये देखिए, फिंगर्स हमारी पकना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। अब इन्हें जब तक क्रिस्प नहीं हो जाती, जब तक आप इन्हें लगातार पलटते पलटते हुए पका लीजिए। ये देख सकते हैं आप, फिंगर्स पे हल्का हल्का सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है। अब इन्हें जब तक तल लीजिए जब तक ये थोड़ी सी ब्राउनिश नहीं हो जाती और इनके अंदर कुरकुरापन नहीं दिखने लग जाता। ये देखिए, आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन कलर आ चुका है और ये देखने में भी काफी क्रिस्प लग रही हैं। अब इन्हें हम तेल से निकाल कर रख लेंगे। कुछ सेकंड इसी तरह से पकड़ के रखिए ताकि एक्स्ट्रा तेल निकलाए और जब तेल निकलाए आप इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। और ये देखिए, हमारी फिंगर्स बनकर तैयार है। इसी तरह से आप सारी फिंगर्स बनाकर तैयार कर लीजिए। फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है और फिंगर्स डालना शुरू कर दीजिए। फिंगर्स हमने डाल दी हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा दूरी दूरी पे डालें ताकि ये चिपके ना और अच्छे से तल कर आए। अब इन्हें भी हम तल के रख लेते हैं और सारी बची हुई फिंगर्स को भी।
सारी फ्राइज हमने बनाकर तैयार कर ली हैं, अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सूजी आलू फिंगर्स हमारे बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और साथ ही साथ ये उतने ही ज्यादा कुरकुरे भी बनकर आते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं अंदर से एकदम फोले हैं, बहुत ही ज्यादा खस्ता लगते हैं खाने में और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी। आप इन्हें हरी चटनी, टोमेटो केचप या मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे चाय के साथ भी बनाकर खाया जा सकता है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश रिटर्न चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के पेज पर विजिट करें जो कि है www.ashrafood.com। वहां पर आपको रेसिपी नोट्स और रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी विद पिक्चर्स। टिल देन बाय बाय।